हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय फोटोग्राफी चैनल में। दोस्तों, दिवाली तो अभी ख़त्म होने को आई है, लेकिन मैं आपके लिए एक फोटोशूट अभी मैंने किया था 2 दिन पहले दिवाली के टाइम पे। उसे कहते हैं लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी। तो उसके कुछ एग्जांपल्स है जो आप अभी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने कुछ एग्जांपल्स देखे और इसके लिए क्या सेटिंग रखनी पड़ती है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास DSLR कैमरा है, तो इसमें मैंने सेटिंग क्या रखी थी कि सबसे कम वाला ISO रखा था। सबसे कम वाला ISO मतलब 100 रखो, 80 रखो, और जो उसका जो f-stop मैंने f-16 से लेके f-22 तक, इसके बीच में आप कोई भी एक रख सकते। तो मैं उसमें मैंने f-16 का f-stop रखा था। और दूसरी तीसरी बात, जो मेरा शटर स्पीड था, वो शटर स्पीड मैंने रखा था 10 सेकंड के लिए। तो आप 5 सेकंड या 10 सेकंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें मैंने शटर स्पीड 10 सेकंड, ISO 100 और f-stop मैंने 16 का रखा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर इस टाइप की अगर आपको फोटोग्राफी करनी है तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा देर तक शटर स्पीड ओपन रहता है। तो ज़्यादा देर तक शटर ओपन रहने के कारण वो सामने वाली जो भी इंफॉर्मेशन है वो कैमरे को कैप्चर करने में टाइम लगता है। तो उस वक्त अगर आपके हाथ में कैमरा है और आप कैमरे को हाथ में लेके फोटोग्राफी कर रहे तो उसमें शेक आने की संभावना ज़्यादा है। तो उस टाइम पर आप ये ध्यान रखो कि स्लो शटर स्पीड की फोटोग्राफी अगर आपको करनी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट उस DSLR को, उस कैमरे को आप ट्राइपॉड पे ही लगा के फोटोग्राफी करो। तो ये 4 बातें हो गई दोस्तों। लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी अगर आपको करनी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंधेरा की ज़रूरत है, तभी आप लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट है। एक तो आपका DSLR कैमरा ट्राइपॉड पे होना चाहिए, दूसरी बात शटर स्पीड 10 सेकंड का रखो या फिर 5 सेकंड का रखो जा, और तीसरी बात ISO 100 रखो, और चौथी बात उसका जो f-stop है 16 या फिर 22, आप जैसा चाहे आप रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप इस सेटिंग का इस्तेमाल करके आप लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी करो। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अगर अभी मैंने जो भी आपको सेटिंग बताई है, अगर आप इस सेटिंग का इस्तेमाल अपने हिसाब से अपने दिमाग लगा के करेंगे तो बहुत अच्छी तस्वीरें आप पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आपके पास कुछ भी सुझाव है कि मैं फोटोग्राफी के रिलेटेड के विषय पर मैं फोटोग्राफी के ट्यूटोरियल बनाऊँ तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना। तब तक के लिए धन्यवाद।